क्या देख लिया? क्या दिन देख लिया? चार रोजनामचा के बजाय आप मेरे को एक रोजनामचा दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपका एडिशनल एसपी इंक्वायरी करेगा, लीपापोती करेगा। क्या वो तो आपका एसपी को क्या दिखना बंद हो चुका है? क्या एक्चुअली क्या है कि मैं इस बार एक एक्चुअली क्या है सर? व्हाट एक्चुअली जो 2017 से एवर इट मे बी, 2017 से आई टुक क्या ओनली 1 मिनट टू फाइंड आउट द लैप्सेस। ये मैनिपुलेशन किया गया है, उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? एंड योर एसपी सेज के दैट ही हैज रेफर द मैटर टू द एडिशनल एसपी, और एडिशनल एसपी अभी 8 दिन में कुछ नहीं कर पाए। एक्चुअली मंडला में पोस्टेड है व्हाट एवर सर, इट मे बी, आई एम लीज कंसर्न, आई एम लीज कंसर्न वेयर ही इज पोस्टेड। मिस्टर मिस्टर स्वप्निल, सॉरी मैम, यू मेड अ स्टेटमेंट के दैट एन इंक्वायरी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द एडिशनल एसपी। प्लीज आंसर माय क्वेरीज, एंड योर एडिशनल एसपी कुड नॉट गिव अ रिपोर्ट विद इन 8 डेज, एंड आई टुक ओनली 1 मिनट टू से दैट वेयर द एंटायर मैनिपुलेशन वॉज डन। इज इट द वर्किंग ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट? यस प्लीज, जस्ट अ मिनट। हाँ, आप यू कैन एड्रेस डायरेक्टली सर। इस महीने 16 तारीख को, आज हो गई है 20, 4 दिन में आपका एडिशनल एसपी कुछ नहीं कर पाया, और मुझे 1 मिनट लगा। इसका क्या जवाब देंगे सर? प्लीज, आप माफी मत मांगिए हमसे। आपका एडिशनल एसपी और आपका एसपी सिवाय लीपापोती करने के कुछ नहीं करते हैं। 4 दिन में आप कुछ नहीं कर पाए, और जबकि यहां पे मात्र 1 मिनट का काम था। आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि 15-1 को, 15-25-1 को श्रीमती ज्योति के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं सो कॉल्ड अक्यूज्ड के, उसका रोज नाम चासाना एंट्री कहां है? ये आपके एडिशनल एसपी को नहीं दिखता है? 15-2-2021 को जो शेखर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं उसकी रोज नाम एंट्री कहां है? आपके एडिशनल एसपी को 4 दिन लगते हैं देखने के लिए। 22-7-2021, स्मृति नकपरे, 21-7-2021 को जिसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं उसके रोज नाम चासाना कहा है? आपके एसपी एडिशनल एसपी को 4 दिन लगते हैं। सर, नीचे झुका के खड़े होने से आप पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती नहीं कर सकते। आई एम लीस्ट कंसर्न 24 आवर्स, पुलिस इज डूइंग। आपकी पूरे मैनिपुलेशन को अनर्थ करने के लिए मुझे मात्र 1 मिनट लगा है। आपके एडिशनल एसपी को नहीं मालूम है कि पुलिस डिपार्टमेंट का थाना चलता कैसे है? क्या वो डायरेक्ट आईपीएस है क्या? ही इज फ्रॉम स्टेट सर्विस, डीएसपी बना होगा वो आदमी। उसको यह नहीं मालूम है कि पुलिस थाना कैसे चलता है। उसको यह नहीं मालूम कि रोज नाम चासाना क्या होते हैं। उसको यह नहीं मालूम कि जराइम रजिस्टर क्या होता है। और आप कहते हैं कि विद इन 24 आवर्स, व्हाट टाइप ऑफ ऑफिसर्स यू आर हैविंग? नो, आई डोंट वांट एनी एक्शन। आई विल इशू नोटिस टू हिम, टू योर एसपी एंड टू योर एडिशनल एसपी। आप लोग आंख बंद करके बेईमानी को प्रमोट करते हैं। ये इंफ्लुएंस मैं क्यों ना ड्रॉ करूं? For that they will be required to answer. इस आदमी को, मिस्टर स्वप्निल गंगोली, आई एम लीज कंसर्न अबाउट योर इंटेंशन। इफ यू से दैट योर ऑफिसर्स आर नेग्लिजेंट, इफ यू से दैट देयर ऑफिसर डू नॉट नो एनीथिंग, देन यू आर द बेटर पर्सन टू जज द वेदर दे शुड बी रिटेन इन सर्विस और नॉट। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस टू से एनीथिंग। अगर आप कहते हैं कि ये डेलिबरेटली नहीं किया गया है, इसका मतलब इनको पुलिस रेगुलेशंस नहीं मालूम है। मैं आपसे बात सीधी सी कर रहा हूं। 12 तारीख को जब यहां से नोटिस चला गया था विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द एसपी, लीपापोती कर रहे हैं आपके एसपी बैठ के। व्हाई योर एडिशनल एसपी कुड नॉट कम टू द कंक्लूजन इवन आफ्टर 4 डेज, वेयर एज द एंटायर मैटर रिक्वायर्ड ओनली 1 मिनट? क्या समझ रखा है आप लोगों ने अपने आप को? कीप योर एसपी प्रेजेंट टुमारो एंड योर एडिशनल एसपी, देखते हैं उनका भी नॉलेज, देखते हैं सर। नो सर, सॉरी,
You are playing with the lives of the people and saying sorry. This person who is the CSP of that area for the last 2 years, he is making the statement that he has recently joined. कैसे ये बोल सकते हैं कि सर मैंने अभी 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 ज्वाइन किया था, वेयर एज ही हैज ऑलरेडी स्पेंट 2 इयर्स इन दैट एरिया. जब 12 तारीख को आपको पता चल गया था कि अब ये मैटर ओपन हो गया है, योर ऑफिसर्स डिड नॉट टेक केयर इवन टू लुक इनटू दिस डॉक्यूमेंट्स, और आप मेरे सामने लीपापोती कर रहे हैं बैठ के. व्हाट इज योर आंसर मिस्टर सीएसपी? हाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन विदाउट देयर बीइंग एनी एंट्री इन द रोजनाम तसाना वाज रिकॉर्डेड? Mr. CSP, whether a day-to-day proceedings are to be recorded in the Rojnam Chasana, या फिर आप पूरे महीने का एक दिन लिख देंगे? Ideally, मतलब ideally काम नहीं कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हो? I will record everything. आपका पुलिस रेगुलेशन क्या कहता है? Day to day, और आप justify कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, आपके एसपी तक ने रिकॉर्ड नहीं देखा, आपके एडिशनल एसपी तक ने रिकॉर्ड नहीं देखा, और आप मेरे से कह रहे हैं कि हम लोग इंक्वायरी करेंगे? आई एम लीस्ट कंसर्न, आप किसी को नौकरी में रखें, चाहे उसकी प्रमोशन करें, चाहे उसको सस्पेंड करें या निकालें, नन ऑफ माई बिजनेस. माई ज्यूरिसडिक्शन इज कन्फाइंड एज टू वेदर द इन्वेस्टिगेशन वॉज डन इन विद मैलाफाइड इंटेंशन, विद इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड पर्संस, और वेदर दे आर गिल्टी to be prosecuted for offense under PC Act. You have misused your office to protect the accused persons. Why you should not be prosecuted for offenses under PC Act? Yeah, whether the police department is exempted from the PC Act? Then no, what do you mean by no? अब आप भूल जाइए सर, आपको ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट का ज्यादा पता नहीं है. आज आप ही रहिए सामने सर, आप तो थानों के इंचार्ज है ना सर, पता तो चले आपके भी नॉलेज का. आपने जरायम रजिस्टर कल देखा था? आपने देखा? आपने उसके बाद रोजनामचा थाना बुलवाया? जल्दबाजी में आपको पता ही नहीं है कुछ. आप माफी मत मांगिएगा सर, मेरे से मत मांगिए, आई एम नॉट योर एम्प्लॉयर. दीज पर्सन नो कि द जजेस डू नॉट नो एनीथिंग. They are living in a fool's paradise that they can make anybody a fool. This is what impression they are carrying. और ये कहते हैं हमसे माफी मांगेंगे? क्यों मांगेंगे माफी हमसे सर? Whether I am an employer of these officers. My only jurisdiction is to find out whether the investigation was tainted, malafide, done with a motive to protect the accused persons or not. That is all. And I am not going to travel beyond that. My question is that if your additional SP could not give a report within 4 days, which required only 1 minute, why I should not draw an inference that he was trying to protect these police officers? When a direction was to the SP to submit his affidavit, why he has not looked into all these aspects and why he has delegated his authority to the additional SP who is sitting over the matter? Whether I had given any direction to the additional SP? आपके SP को क्या शर्म आती है इन्वेस्टिगेशन करने में? क्यों नहीं उसने फाइल खुद देखी? क्यों नहीं देखी उसने फाइल? प्लीज लेट मी टेल, प्लीज टेल मी. उसने उठा के एडिशनल SP को दे दी, एडिशनल SP ने उठा के अपना बैठ गए, तकिया बना के सो गए. सॉरी सर, लेट मी पास द ऑर्डर. इलेक्शन होगा या नहीं होगा, आई एम लीस्ट कंसर्न. मुझे आप ये बताइए मुझे कितने मिनट लगे, मुझे बताइए मुझे कितने मिनट लगे. मैं सब बंगाल डोंट ट्राई टू टेक द शेल्टर ऑफ इलेक्शन. आप अनुरोध मत कीजिए सर, मैं 1 मिनट नहीं दे रहा हूँ, मैं 1 मिनट नहीं दे रहा हूँ आपको. And I am not going to comment upon this closure report which they have filed. I will simply comment upon the action of these officers, the manner in which they have conducted everything. The seedha inhone farzi statement report kiye, and this person is saying idly. What do you mean by idly? It is the requirement of the police regulations. There is a lapse on the part. Lapse? It
अरे यार मिस्टर ये बताइएगा, डोंट नो नो, आप भूल जाइए, भूल, आई एम डायरेक्टिंग फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दिस ऑफिसर्स अंडर द पीसी एक्ट, नो सर सॉरी प्लीज, तो द टाइम हैज कम दैट द पुलिस शुड रियलाइज कि सब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, जो मर्जी आए, मजाक बना के रखा हुआ इन लोगों ने, बिल्कुल नहीं क्या? 2017 में आपका क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई, 2021 में डायरी, सो कॉल्ड डायरी खोली जाती है, मजाक नहीं था, अभी भी इसको आप कहते हैं कि मजाक नहीं है, उसके बाद डायरी खोली जाती है, जराइम रजिस्टर में उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है, 4 दिन इन्वेस्टिगेशन करना दिखाया जाता है, उसमें से 3 दिन की कोई प्रोजनामचा सारा एंट्रीज नहीं है, आप कहते हैं कि मजाक नहीं है, उसके बाद डायरी रोका के फिर से छुपा दी जाती है, जब तक ये पिटिशन यहां पर नहीं आती है, आप कहते हैं मजाक नहीं है, तो फिर किसको पुलिस डिपार्टमेंट मजाक समझती वो भी बता दीजिए सर, मैल इंटेंशन, यू आर नो बडी टू गिव अ सर्टिफिकेट टू द डिपार्टमेंट, यू आर नो बडी टू गिव अ सर्टिफिकेट टू द डिपार्टमेंट, मैं आपसे सीधा सीधा सा पूछ रहा हूं मिस्टर गांगुली, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर कंक्लूजन फॉर विच यू आर नॉट ऑथोराइज एंड यू आर नॉट एम्पावर्ड, प्लीज एक्सप्लेन, जस्ट आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द थिंग्स, डोंट गिव योर कंक्लूजन, राइट, इट इज माई ड्यूटी, माई ज्यूरिसडिक्शन टू ड्रॉ एन इंफरेंस के दैट वॉट शुड बी डन और वॉट शुड नॉट बी डन, सर नो सर, मिस्टर गांगुली इफ यू वॉन्ट टू, मिस्टर गांगुली इफ यू वॉन्ट टू आंसर माई क्वेरीज देन यू आर वेलकम, अदरवाइज सर यू कैन अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू, मिस्टर गांगुली, मिस्टर गांगुली आर यू रेडी टू आंसर माई क्वेरीज, देन यू आर वेलकम सर, 2017 में ये क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट होती है और 2021 तक कुछ नहीं किया जाता है, इज इट अ कैजुअल एटीट्यूड और इट इज अ ग्रॉस नेग्लिजेंस, अब आपसे मैं कंक्लूजन नहीं मांगूंगा क्योंकि इट इज माय ड्यूटी टू गिव अ कंक्लूजन, जस्ट टू एक्सप्लेन कि भाई ये कैजुअल कैजुअलनेस थी कि ग्रॉस था, आप जो भी आप आंसर देंगे उससे मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, दे डिड नॉट ओपन द डायरी फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स, दे डिड नॉट एंटर द रिजल्ट ऑफ द क्लोजर रिपोर्ट इन द जराइम रजिस्टर, अभी तो डायरी नहीं ली है मैंने, डायरी लाए हैं दे दीजिए वो भी, सीएसपी साहब एक दिन में जो काम किया जाता है वो डायरी में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, लिखा है, लिखा है क्या ये अपना 25 जनवरी का कुछ लिखा है, 15 फरवरी का कुछ लिखा है, 21 फरवरी का कुछ लिखा है, 21 जुलाई का कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसको क्या कहोगे, क्या कहेंगे सर आप, और आप उसमें बयान दर्ज कर रहे हैं और आपके किसी प्रोसीडिंग्स में उसकी एंट्रीज नहीं है, तो इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए कि ये फर्जी बयान थे कि जेन्युइन बयान थे, ये डायरी प्रोसीडिंग्स लिखने का औचित्य क्या है, जरा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों लिखा जाता है सर, आप तो सुपरवाइजरी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, आपसे मैं इस केस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, वैसे पूछ रहा हूं डे टू डे करने का कारण क्या है, और आपकी हरकतों को क्रॉस चेक करना नहीं है क्या, क्या पुलिस रेगुलेशन लाओ भाई, डेली ये जो डायरी मेंटेन करते उसके प्रोविजंस निकालिए, दे दो वहीं दे दो,
सर थोड़ा सा आप हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए सर, केस वेस तो अभी छोड़ दीजिए, अब वही आप ज्ञान दोगे वही आपके खिलाफ जाएगा, एक अलग बात है। तो पता हमें पूरा है, हम तो आप यू आर नो बडी टू गिव अ क्लीन चिट टू यू मिस्टर, डोंट ट्राई टू गिव अ क्लीन चिट टू यू, नो मिस्टर मिस्टर प्लीज, योर एडिशनल एसपी कुड नॉट कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन 4 डेज विच रिक्वायर्ड ओनली 1 मिनट। आप कौन सी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, देख तो लिया ना आपने एफिशिएंसी, मुझे कितना समय लगा। नहीं मैं अब आप ये मत कहिएगा कि आपके एडिशनल एसपी को कुछ नहीं आता, मिस्टर मिस्टर कुल मिला के इतना था कि 2017 के बाद क्या हुआ और कौन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? जरायम रजिस्टर कब गया आपके एडिशनल एसपी के पास? मुझे जानकारी नहीं सर, लास्ट 2 डेज से सर बिल्कुल मतलब 2 दिन यहां से पढ़ा, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। बुलवा लीजिए सर, अभी आप ज्यादा बीच में बोलेंगे ना, आप बुलवा लो एडिशनल एसपी को भी, पता करें और फिर आपके एसपी से पूछते हैं कि जब तुम्हें डायरेक्शन था तो तुमने एडिशनल एसपी को भेजा क्यों? शर्म आती है इन्वेस्टिगेशन करने में? शर्म आती है एसपी को इन्वेस्टिगेशन करने में? शर्म आती है? फिर क्यों नहीं किया उसने, क्यों नहीं किया उसने? वेयर इज ही वॉज डायरेक्टेड टू फाइल इज पर्सनल एफिडेविट, वेन ही वॉज डायरेक्टेड टू फाइल इज पर्सनल एफिडेविट, वाई ही हैंडेड ओवर द इंक्वायरी टू द एडिशनल एसपी? आंसर दीजिए सर। सेंस पर वेरियस रिकॉर्ड्स आर क्या रिक्वायर्ड, रिकॉर्ड? 1 मिनट लगा है मुझे, क्या रिकॉर्ड? थाने के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं भाई? जरायम रजिस्टर होता है, पुलिस केस डायरी होती है, जनरल डायरी होती है, 3 रिकॉर्ड। देखा डायरी देखी उसने आपके एडिशनल एसपी ने? 24 आवर्स 24 आवर्स तो बहुत दूर है भाई साहब, भूल जाइए, मैं 1 मिनट का इस केस में 1 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा हूं। नो सर, योर पुलिस डिपार्टमेंट हैज नॉट इंप्रूव्ड इटसेल्फ। वो हर आदमी एक ही ढर्रे पे काम कर रहा है, हाउ टू नॉट टू वर्क, दैट इज ऑल, दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग, एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज नॉट मेंट फॉर दोज पर्सन्स हु आर रियली वर्किंग। जिस जिस पुलिस डिपार्टमेंट का यहाँ पे आया, एक एसपी आपका फर्जी रिपोर्ट देता है, अपने ही खिलाफ फर्जी रिपोर्ट देता है, तब आपको नहीं लगा था? एक एसपी जो अपना खुद इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय एडिशनल एसपी को दे रहा है और एडिशनल एसपी सो रहा है, और आप कहते हैं कि हमें अभी समय चाहिए। कितना इंक्वायरी में टाइम लगा सर? टाइम नहीं लगना चाहिए था और नहीं रिटायर। लगना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग। सर मेरा ये कहना नो था, सर, आई एम नॉट गोइंग टू डिफर द डिक्टेशन, सॉरी सर, सॉरी सर, 10-15 इट विल बी टेकन बाय। सॉरी सर, आई एम नॉट गोइंग टू डिफर द ऑर्डर नाउ एंड आस्क योर एसपी टू सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम दिस कोर्ट? मजाक में लाके रखा हुआ है आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को? खारिज पेश कर दी गई है आज, उसकी एंट्री कहाँ है पढ़ के बताइएगा, पढ़ के बताइए कि आज हमने खारिजी पेश कर दी है। आप मुझे आंसर दीजिए, वो नहीं बचा पाएंगे आपको। खारिजी पेश कर दी गई है, ये कहाँ लिखा है? सर, उसके बाद जो ASI मिश्राम के द्वारा सर साने में इसमें एंट्री है सर। कहाँ लिखा गया है कि खारिजी पेश कर दी गई है? बस इतना पहले बताइए, फिर आगे सुनूंगा आपसे। मैं नहीं कह रहा कि आपकी बात नहीं सुनूंगा। माय लॉर्ड, इसमें शॉर्ट में लिखा है, हमने ये क्या जो लिखा है शॉर्ट में? ऊंचा भाई साना देखा था माय लॉर्ड, तो उस साहब, आपसे जितना पूछा उतना बताइए, खारिजी पेश कर दी गई है कहाँ लिखा है, हाँ सर इस या नहीं? कहाँ नहीं लिखा सर, केस नंबर लिखा है सर बस खारजी का। लिखा है कि आज माननीय न्यायालय में खारिजी पेश कर दी गई है? सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। नहीं नहीं लिखा है क्या? चौबीस है ना सर, 24 का लिखा है सर, 2017 वाला नहीं लिखा है सर।
मुझे नहीं मालूम आपकी लास्ट एंट्री में खारिजी पेश कर दी गई है, ये कहाँ लिखा है ये बताइए। अच्छा कुछ नहीं है कहीं पर भी। गांगुली साहब मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे लैप्सेस हैं इनके, आप तो भी सीख लो। सीएसपी साहब आपसे जितना पूछा उतना बताइए, उसके बाद हमको डिक्टेशन ऑर्डर आगे बढ़ाना है। रिस्पेक्ट नहीं है सर है इसमें, खुला पेश कब किया सर खारिजी ये मेंशन नहीं है सर, नहीं है बट इसमें शॉर्ट में लिखा है सर क्या कि इसमें करना है? नहीं सर, ये सर जो साना ये एंट्री है सर ये पेश करने के बाद ही लिखा गया है सर, बट जो आईओ थे उन्होंने ये नहीं लिखा कि पेश कर दी गई है क्या मामला। लिखा है इसमें पढ़ के बताइए। प्राप्त डायरी थाना प्रभारी महोदय द्वारा अग्रिम विवेचना हेतु करने अवलोकन करने कायमी पूर्व में उन्हीं जगदीश द्वारा जगदीश गोयल द्वारा एवं विवेचना करके खारिजी प्रकरण में 6/14 दिनांक 27/9/14 भेजने माननीय न्यायालय खारिजी व स्वीकृति हेतु प्राप्त पत्र माननीय रामजी लाल ताम्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट आपराधिक प्रकरण क्रमांक 96/14 दिनांक 21/9/14 बताने हालात थाना प्रभारी महोदय को स्थगित डायरी। कहाँ क्या है कहाँ भेजा है, कहाँ भेजा, कब लगाया, और खारजी कब पेश हुई है ये बताओ। खारजी सर केस नंबर जो मिला सर कब पेश हुई पहले ये बताओ। 1/11/2014 को पेश हुई मैडम, ये एंट्री कब की है, तो 29/9/17 की मैडम। 2 महीने पहले आपको नंबर मिल गए थे फाइलिंग से, कितना फर्जी काम करोगे भाई। ये 2 महीने पहले नंबर कैसे मिल गया था आपको। जैसे एक बार गांगुली जी बता रहे थे कि जब राय आप लोगों के रोज नाम से साने रजिस्टर में चलते थे तो कुछ साने छोड़ छोड़ के चलाते थे आप लोग, गांगुली जी ने बताया था हमको ऐसा। तो आपने क्या सोच रखा है कि कोर्ट भी नंबर छोड़ छोड़ के चलती है, कि आप आओगे तो यार 2 महीने पापा आपके लिए नंबर जगह छोड़ दें। हैं माफी चाहते हैं सर, माफी मत छोड़ दीजिए सर, आप तो अपने डीजीपी से माफी मांगी, हमें कोई लेना देना नहीं आपकी माफी से। क्या माफी मांगना है सर, आप सीएसपी थे थाने में, क्या देखा आपने। हाँ सर चूंकि यह अपराध सर चूंकि तो ऐसे ही है सर, अभी तो आप अभी अभी तो आई हो, 2 साल तो हुए आपको आए हुए, यही तो आपका कहना है। रिसेंट सर केस लिखाओ, पुराने दिखाओ होते हैं लोगों दिखाओ के। दिखाओ, हाँ लिखाओ बताओ, हो गया हो गया सर, सुन लिया, बताइए मुझे बता दीजिए। देखिए अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपका आंसर रीजनेबल दिखेगा तो ऑर्डर चेंज भी हो जाएगा, डोंट वरी। आप हम मुझे नहीं बताएंगे वहाँ बताएंगे, तो मैंने उनको सुनना नहीं है क्योंकि तो इनको पुलिस विभाग के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो ये जो आप बताएंगे ये मान लेंगे। आप तो मुझे बताओ सीधा, सर अगेन टेंडरिंग में आएगा एक्सेप्ट टेंडरिंग योर अपोलॉजी, गिव द एक्सप्लेनेशन। सर, ये रोजनामचा साना है सर 29/9/2017 का, इसमें मेंशन्ड है सर कि माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वापस विवेचना हेतु आदेशित किया गया सर। अब उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन सर था, राइट आ जाओ। इट इज सबमिटेड बाय, फेस्ड विद सच अ सिचुएशन इट इज सबमिटेड बाय, हाउएवर इट इज फेयरली कंसिडर्ड। आप जरा डायरी में देख के बताइए कि 29/9/2007 के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ। डायरी छत्र आपको दी थी, मेरे पास है, सॉरी मेरे पास है। अरे आप उनसे मत बताइए, आप बैठे ज्यादा अच्छे लग रहे हो इस केस में। स्वप्निल जी आप ही तो सर पकड़ के बैठ गए, अभी तो आप कह रहे थे ना कि सर। अरे छोड़ो छोड़ो, बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो भाई। नो 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 सर, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए बैठिए। नो सर प्लीज बैठिए, सर प्लीज बैठिए। स्वप्निल जी आप खुद ही थक हार के बैठ गए भाई, सर पकड़ के बैठ गए थे, ये क्यों बता दिया इन्होंने। आप अपने साथियों से बोल रहे थे मर गया ये, यही बोला था ना आपने जी। सर अब आप बताइए 29/9/2017 के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ। रिक्वेस्ट ये सर कि सर मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं सुननी,
29/9/2017 के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, बस इतना बता दीजिए। इसके बाद सर 22 जुलाई 2021 की 29/9/2017 के बाद कभी डायरी खुली? अभी आप याद रखिएगा कि 29/9 को मजिस्ट्रेट साहब ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दिया था, उसकी लाइट में बात कर रहा हूँ। देख के बताओ खुली कि नहीं खुली। सर 29/9/2017 के बाद बात सर केस अब ये क्लोजर रिपोर्ट कब रिजेक्ट हो गई? सर इसी के सेकंड संबंध केस, सेकंड बात कब रिजेक्ट हुई? सर अभी पेश की गई है सर, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होने के बाद सर अभी पेश जब की गई 29/9/2017 को बस वही क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है, यस दूसरी बार नहीं पेश हुई है, सर उसी के तो संबंध 1/11 को क्या पेश कर दिया था? सर वो मुझे मैं माफी चाहता हूँ सर, मुझे क्लियर नहीं कि वो डेट क्यों मेंशन्ड है सर जरायम रजिस्टर में। आपके एसआई ने बोला है, सर वो जरायम रजिस्टर में मेंशन है सर, बट कहाँ मेंशन है जरायम रजिस्टर में? सर उसी क्लोजर जो नीचे सर लिखा है 2014 के एमजी नंबर सर, क्लोजर यहाँ नंबर उसमें नीचे मेंशन है देख के सर। बताइए सर, सर 2014 14 में भी कोई क्लोजर रिपोर्ट है क्या? सर वो खारजी नंबर उसी वर्ष का मिलता है सर जिसमें अपराध की अच्छा, कीमत होती है, तो 1/11/14 क्यों लिखा है इसमें? उस दिन शायद मैं माफी चाहता हूँ सर, मुझे क्लियर नहीं है सर, मैं कंफर्म करके और बता पाऊंगा सर। मतलब 1/11/2014 को भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी क्या? संभवतः सर सर थाने पे काटी गई होगी सर, मैं मुझे स्पष्ट नहीं। संभवतः थाने पे काट दी गई, वो डायरी देखो ना, होगा ना आपके पास? दस इट इज क्लियर दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वॉज मैनुपुलेटिंग द रिकॉर्ड्स एंड इट वॉज नॉट नोटिस्ड बाय द सुपरवाइजिंग बाय द ऑफिसर्स हैविंग सुपरवाइजरी पावर। फर्दर मोर ये अपना 25/1/15/2 और 21/7, इसका कोई रोजनामचा भी नहीं है, ये है। वेयर एज द एंटायर इलीगैलिटीज वर डिटेक्टेड बाय दिस कोर्ट विद इन 2 मिनट्स आफ्टर लुकिंग एट ऑल द 3 डॉक्यूमेंट्स। दस इट अपियर्स दैट द एंटायर एफर्ट ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बालाघाट एज वेल एज द एडिशनल SP बालाघाट इज टू प्रोटेक्ट द ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स हु वर मैलाफाइडली एक्टिंग इन द प्रेजेंट केस। पुलिस सिस्टम अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बालाघाट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज डायरेक्टेड टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इन टू द मैटर एंड फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बालाघाट, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बालाघाट श्री सो एंड सो CSP बालाघाट, प्रेजेंट SHO पुलिस स्टेशन कोतवाली बालाघाट, बी देन SHO पुलिस स्टेशन कोतवाली बालाघाट एज वेल एज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। दिस कोर्ट हैज ऑलरेडी कम टू अ कंक्लूजन दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एज वेल एज द बी देन SHO पुलिस स्टेशन कोतवाली डिस्ट्रिक्ट बालाघाट वर आउट एंड आउट टू गिव अनड्यू एडवांटेज टू द अक्यूज पर्सन्स बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द डायरेक्शन बाय बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे टुक 4 years टू फाइल द क्लोजर रिपोर्ट। ब्रैकेट में लिखिएगा दिस फाइंडिंग इज नॉट फाइनल बिकॉज द जरायम रजिस्टर ऑल्सो कंटेन्स अ डेट दैट ऑन 1/11/2014 वन मोर क्लोजर रिपोर्ट वॉज फाइल्ड एंड द आउटकम ऑफ दिस सेट क्लोजर रिपोर्ट इज नॉट नोन। अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज डायरेक्टेड टू रजिस्टर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 13(1)(d) ऑफ PC एक्ट अगेंस्ट दी देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड दी देन SHO पुलिस स्टेशन कोतवाली डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू वेरीफाई एज टू वेदर any other person has any role to give undue advantage or not. If it is found that some more persons had
given undue advantage and have committed the offence punishable under the Prevention of Corruption Act, then they can also be implicated in the said offence. Let the report be submitted within a period of 1 month from today. List this case on. Today is 20th, sir. 22nd of April 2024. The report shall be submitted. It is made clear that the investigation / inquiry shall be conducted by the Director General of Police, State of Madhya Pradesh only, and he would not delegate or assign this duty to any officer. Full stop. The report must be filed with the affidavit of Director General of Police, State of Madhya Pradesh. Also, just sir. One consideration. Hanji. Since the Malad, instead of DGB Malad, may kindly. Sir ji. IG or any other. Yes. Or yes. Or bejiti karao main High Court ki. Nahi sir. Mr. Swapnil Gangwali, what is your explanation when your SP was directed to file his affidavit? Why he handed over the matter to the additional SP? What is your explanation? Now you are saying that I should give it to some subordinate officer. I didn't ask the DGP right from day one. Initially, I directed the SP, who is the captain of the district, to submit his affidavit. What he did? Handed it over to the additional SP. The additional SP in his turn voluntarily sent this person to the court. Jao dekh kya batana kya hua. Otherwise, maybe, sir. I'm least concerned. And least concerned, please explain why your SP did not conduct the inquiry on his own. Specifically, when he was required to file his affidavit. No, sir, sorry. No, sir, sorry. A big sorry, because I have seen the conduct of your SP and I don't want the reputation of that aspect in this court. Diary aaj le lijiyega kyunki wo reproduce hona hai. Usko aaj hi wapas kijiyega, usko reproduce kara ke usko wapas karwa diye. Can this be taken by us or? Pardon, sir? Can it be deposited or it can be? Nahi, aap wapas le jaiye. Uska humko zarurat nahi hai. Okay, ek baar humne dekh liya hai. अब आप जब मैनिपुलेशन करोगे तो मरोगे।